Well, hey guys, this is your friend Akshat, and आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू इंस्टॉल डिस्क ब्रेक इन नॉर्मल साइकिल। तो चलिए हम लोग वाला वीडियो करते हैं, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक बार लाइक करिए एंड कंसीडर सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज हम लोग ऐसे कंटेंट हर हफ्ते लाते रहते हैं, काफी ज्यादा कंटेंट होने वाला है। कैसा कि अपना बात नहीं करूँगा, जैसे आपके साइकिल में लगेगा वैसे मैं कर दूँगा। तो यह वीडियो को रियल भी ऊपर मैं बनाने वाला हूँ, एंड चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू करने से पहले आप लोग को चाहिए एक डिस्क ब्रेकर किट। तो डिस्क ब्रेकर किट आप लोग को कहाँ से मिलेगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे पिंड कमेंट में जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उस किट्स में हम लोग को क्या मिलेगा। एंड वैसे तो ये मेरे पास पहले से था, ये एक डिस्क ब्रेक डिस्क डिस्क इसको बोलते हैं, एंड इसमें हम लोग का फ्लैंक पहले से लगा है। एंड इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग को डिस्क कैलिपर चाहिए जो हम लोग का ब्रेक को रोकेगा। एंड इसके बाद हम लोग को चाहिए ये वायर। तो आप लोग जो बाकी सारे वीडियो देखते हो उसमें आप लोगों को पता ही नहीं हुआ कैसा वायर लगता है, तो ये जो होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पहले आपका जो ब्रेक लगता था मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपने यहाँ इसे कनेक्ट किया लेफ्ट साइड, एंड उसके बाद जो आप लोग यहाँ तक लाते थे, पहले आपका ब्रेक यहाँ पर था, तो यहाँ पर जो ब्रेक रहता है उसके लिए लेंथ यहीं तक का रहता है, तो ब्रेक वाले के लिए थोड़ा सा बड़ा रहता है एंड वो यहाँ तक आता है। तो यही था, आप लोग को ये लेना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग फंस सकते हो, या फिर आपको किट में मिल जाता मेरे हिसाब से। एंड यही है इसका, ये जो मेरे पास आप लोग का पुराना ही वाला लगेगा, मेरे पास दूसरा था मैंने ले लिया। एंड आप लोग को चाहिए एक ग्रीस, एक 5 mm की एलन की, एंड ये जो बोल्ट है ये इसे कसने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कैसे इसे करना चाहते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को करना है ये जो वाला हम लोग को निकाल देना है। तो मैंने इसका नट बोल्ट पहले से ढीला कर दिया था, यस मैंने कर दिया, एंड अब जो मैं इसे निकाल देता हूँ। तो मैंने इसे पहले से निकाल लिया है, एंड इसका जो मैंने जो बीबील होता है वो भी निकाल दिया पहले से। तो अब हम लोग लाएंगे इसके लिए डिस्क लाएंगे, आप लोगों को जो करना पड़ेगा वो आप लोगों को पीछे का फ्रेम थोड़ा सा जो नॉर्मल साइकिल होता है उसमें आपको चौड़ा करना पड़ेगा। तो ये जो है इसमें हम लोग का पहले से डिस्क लगाने के लिए दिया हुआ है, एंड जो नॉर्मल वाली साइकिल होती है उसके लिए आप लोग को पीछे के लिए दूसरा हब खरीदना पड़ता है, रियर डिस्क का अलग आता है एंड फ्रंट डिस्क का अलग आता है। तो अब हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे इसको, एंड आप लोग बस प्लेट ऐसे रखना है, इंस्टॉल कर देना। सो गाइस मैंने इसे अच्छी तरीके से कस लिया है, एंड आपका तो जब ब्रेक लगे तो और अच्छे से कसा जाएगा। तो चलिए हम लोग को इसको वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने साइकिल के अंदर। चलिए हम लोग इसे करते हैं, काफी जल्दी हो जाएगा। सो गाइस हमारा जो डिस्क ब्रेक है वो इंस्टॉल हो गया है, अब जो मैं इसे इंस्टॉल करूँगा, आपके पास पहले से होगा, आपने लगा होगा, तो आप उसका बस वायर चेंज करो। तो मैं इसे इंस्टॉल करते हुए आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग को पहले ग्रिप निकालना पड़ेगा, तो मैं निकालता हूँ जल्दी से। तो गाइस हमें लगाने के लिए आप लोग को देख सकते हैं, मैंने आप लोग के लिए कैमरा उल्टा कर दिया है। तो ये रहा हम लोग को, ये जो इसके अंदर रखना है ये ऐसे करना है, एंड ये जो है हम लोग को पहले इसे निकालना पड़ेगा। ये मैंने निकाला, निकालना भी नहीं, ये वहाँ देखो ये हुआ, ये है इसकी, ये जो इसमें से मैंने लिया, एंड ये छेद करना डाल दिया, एंड इसके हम लोग को वापस इसे रोल इन कर देना है। तो मैं इसे रोल इन कर दे रहा हूँ, आप देख लो, एंड ये हो गया मेरे हिसाब से, रुक जाओ यार। हाँ ये आप लोग को इक्वल में नहीं रखना है। ओ भाई अब मेरे हिसाब से हो गया ये, एंड अब लोग को इसमें यहाँ रखना है, एंड का जैसे आपको वायर रोल करना है आप वैसे ले जा सकते हो। तो चलिए अब लोग दिखाते हैं। तो ये जो आप देख सकते हो ये मैंने रख लिया, एंड यहाँ पे हम लोग का ग्रुप दिया हुआ साइकिल में आपको दिखाता हूँ। ये कंपैटिबल था पहले से, मैं आपको नीचे एंगल से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये ग्रुप ये लग गया, एंड दिखाता हूँ, एंड इसी टाइप से आप लोग को लगाते जाना है। ये मैंने ग्रुप से मेरे, एंड ये भी था हमारे में, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ तक, एंड
अब हम लोग को थोड़ा सा इसे खींच लेना है ताकि कैलिपर तक का ही रहे। तो अब हमारा वायर इंस्टॉल हो गया, ब्रेक इंस्टॉल हो गया एंड अब हम लोग कैलिपर इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस अभी जो दिक्कत आ रहा है वो आ रहा है कि मैं जब इसे यहाँ लगा रहा हूँ तो हमारा जो है ये बहुत ज़्यादा गैप में, तो हम लोग को ये जो आप फ्रेम देख रहे हो यहाँ, इसमें हम लोग को बीच में एक ये वाला नट डालना पड़ेगा, ये जो रहता है ये हम लोग को डालना पड़ेगा ताकि हम लोग को कैलिपर के लिए जगह मिले फ्रेम से। तो यही हम लोग करेंगे अभी, आप देख लो कैसे मैं इसे करता हूँ एंड आप देख लो यार क्या हो गया है, तो दिखाता हूँ। ये देखो ये हमारा टच होने लगा है कैलिपर सब, तो हम लोग इसे लगा देते हैं एंड उसके बाद देखते हैं। तो गाइस जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर लिया है, वो था कि ये जो नट था मैंने पहले लगाया था वो थोड़ा पतला था, तो हमारा जो कैलिपर था वो टच किया, तो अब मैंने थोड़ा मोटा वाला नट लगा दिया एंड अब मैंने उसे वापस कर देते हैं। अब हम लोग को लगाना है कैलिपर हमारा, तो कैलिपर लगाने के लिए हम लोग इसे लगा रहे थे कुछ इस तरह से एंड हाथ में गंदा हो गया, ग्लव्स पड़ गया मेरे, तो चलिए अब लगाते हैं इसे एंड इधर रहा एंड इन दोनों को ग्रूव्स मैच करके हमें इसे लगा देना है। एंड जिसके साइकिल में पहले से नहीं होगा गियर, मैं बता देता हूँ जिसमें नहीं होगा उसमें आप लोग को एक क्लैंप दिया जाता है उससे आप लगाते हो, तो मैं इसे जल्दी से कर देता हूँ। तो गाइस हमारा इंस्टॉल हो गया एंड अब जो हम लोग को करना है जो इसकी एडजस्टमेंट होते हैं, तो गाइस हमारा जो कैलिपर वो मैंने इंस्टॉल कर दिया एंड अब जो लोग करना है इसका जो पैच होता है उसका एडजस्टमेंट करना है एंड उसका अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में आ रहा होगा हाउ टू मेक योर डिस्प्ले पावरफुल, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो ये हमारा राइट साइड का टच नहीं होना चाहिए, वो आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, ये जो मेरे कसे उससे एडजस्ट करना पड़ेगा, जो इस साइड होता है इस साइड का उसको हम लोग का बोर्ड रहता है इधर से लोग को इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ एंड तो थोड़ा सा उसे ढीला करना है एंड तब तक आपको करना है जब तक आपका फ्रीली मूवेबल ना हो जाए। तो ये देखो अभी मैं थोड़ा सा रफ खा रहा है तो मैं थोड़ा सा इसे और ढीला कर दूंगा, तो हो गया आई थिंक हो जाना चाहिए एंड यस अब हमारा फ्रीली मूव कर रहा है, तो अब आप देख सकते हो कि हमारा सही हो गया एंड मैं थोड़ा सा ऐसे भी देख लेता हूँ, तो यस अब हमारा अच्छे से काम कर रहा है एंड अब जो हमें करना है वो हम लोग को ये जो वायर इसे हम लोग को इससे ले जाना है बैरल वाले से एंड इसे हम लोग कुछ इस टाइप से लगा दिए हैं एंड इसे हम लोग पुल कर देना वापस एंड यहाँ वाला एडजस्ट कर देना है एंड यस तो हमारा हो गया एंड हम लोग को इसको थोड़ा सा लूज़ करना है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हमने लूज़ किया। अरे यार तो गाइस हमने जो इसे लगा दिया एंड अब जो हम लोग को वायर को अपने कैलिपर से अटैच करना है, तो अटैच करने के हम लोग करना क्या है, हमने इसे अटैच किया और इसका जो ये वायर है उसको हमने कैलिपर के थ्रू इस टाइप से निकाल दिया, निकालने के बाद हमें इसे थोड़ा खींचा है एंड उसके बाद इसे अच्छे से लॉक कर देना है, कर देता हूँ एंड यस आई थिंक हो गया हमारा एंड हम लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे जिस टाइप से हम लोग को रखना है, ये मैंने किया ये एडजस्ट हो गया अच्छे से हमारा काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग को क्या किया, अब हम लोग को जैसे कि आप देखते हैं इसे उठाया एंड ये किया, तो जब ये पुल होता है तब हमारा ब्रेक रुकता है, तो हम लोग को इसे थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा अगर आपका ब्रेक ज़्यादा प्रेस करने पर होता, तो इसे मैं ढीला करता हूँ, आपको ये मैंने इसे यूज़ किया, अब जो मैंने यूज़ किया था आप देखो पहले रुकेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैंने किया एंड फाइनली जो है वो हमारा डिस्ब्रेक इंस्टॉल हो गया है आप देख सकते हो एंड मैं अब आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ एंड हम लोग को इसे कैसे एडजस्ट करना है। तो अगर आपको अपना ब्रेक को थोड़ा सा और टाइट करना है तो आप यहाँ से एडजस्ट करके जैसा मैंने आपको दिखाया वैसा कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से इसे आप लूज़ करोगे तो वैसे आपका हो जाएगा, तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा लूज़ कर देता हूँ, मेरे को लग रहा है
सो मैंने यहाँ इसे लूज़ कर दिया। अब आप देखो हमारा जो ब्रेक है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। तो जो गाइस काफ़ी देर के मेहनत के बाद हमारा जो है ये अच्छे से अब वर्किंग करने लगा है। एंड थोड़ा सा आपको कैलिपर में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि आप एक्सटर्नल लगाओ तब आपका प्रॉब्लम आता ही है। तो अब हम लोग इसकी आपको वर्किंग दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना व्हील रोटेट कर दिया, एंड आप देख सकते कितना अच्छा तरीके से काम कर रहा है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। एंड आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कम पावरफुल है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे या फिर किसी मैकेनिक के अच्छे से आप खुद नहीं करके मैकेनिक से करा लोगे तो आपको ज़्यादा बेटर एडजस्टमेंट करेगा। लगाने के लिए तो आप लगा ही सकते हो। एंड अगर आपको देखने की इसे पावरफुल कैसे बनाना है, पावरफुल तो यहाँ पे आपको आई बटन या फिर यहाँ पे मिल रहा होगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए हम हमसे मिलते हो अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग इंस्टॉल करेंगे एयर इसी वाले साइकिल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एयर का सारा सामान रखा हुआ है, तो होपफुली आपको जल्दी मिलेगी। एंड अगर आप गेयर इंस्टॉल करने की वीडियो देखनी है तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा।